ले जाएगा, चल ले जा फिर जल्दी कर दे, लेट मत यहाँ पे, उठा इसको जल्दी कर दे, ले जा चल चल। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूँ भाई भराड़ी घाट से थोड़ा आगे, और भाई आप यहाँ पर रोड के हाल देख सकते हैं भाई। ओ बाबे, यहाँ से भी HRTC बस वाला गया ना, से झूलता हो गया पूरी तरह। तो गाइज फाइनली हम एंटर हो चुके हैं टनल के अंदर, और ये टनल नंबर 4 है भाई, जो पहली टनल आ रही है मनाली को जाती भरी, और काफी लंबी है, आई थिंक हार्डली ये 300 या 400। और गाइज यहाँ पे आता है भाई टोल प्लाजा, और हमारे पास फास्ट टैग तो है नहीं भाई, मैं दूंगा यहाँ पे कैश ही सीधा। दोनों के पास ये रहे मेरे दीदी और जीजू नीचे, और परी है भाई साथ में, और भैया हम खाएंगे मोमोज, और ये रहा भाई फूड वैन है जिसके छत पे मैं खड़ा हूँ अभी। ओके आप सीधे जाने आगे को, अच्छा वापिस आने आप, चलो ठीक है ठीक है तब, बाय बाय। तो गाइज जैसे दरवाजा खुलता है भाई, बाहर मिलता है हमें एक शैतान। हट जा भाई हट जा मेरा मैगी। और गाइज आप बाहर का मौसम देख सकते हैं भाई कैसा है। सो गाइज ये रहा बाहर का मौसम देख सकते हैं भाई, बाहर का मौसम पूरा बारिश वाला, अभी काले बादल छा चुके हैं, और भाई सामने देख सकते हैं आप मम्मी और भैया कर रहे हैं भाई खेत में काम, ये शादी। हेलो गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज मैं उसका भाई बिल्कुल रेडी, नहा धो के फ्रेश, और भैया बाहर का मौसम देख सकते हैं भाई, बाहर का मौसम कुछ बारिश वाला बन चुका है, तो बस भैया ऐसा ही मौसम है। और अभी टाइम हो रहा है भाई 10:30, और ये बंदा यहाँ आंगन में दौड़ा जा रहा है अकेला ही, और भाई मम्मी और भैया वगैरह नीचे खेत में काम कर रहे हैं, मैंने उनको बोला कि जल्दी आ जाओ, और आप देख सकते भाई ये दोनों काम में बिजी यहाँ पे, ये पता नहीं क्या चीज़ करे जा रहे नीचे। और गाइज हाँ अभी मंडी दीदी का सामान लेके, कुछ दीदी की साड़ी वगैरह है और ज्वेलरी वगैरह है कुछ, उनको लेके तो बताते हैं आपको जरा पूरे सफ़र का मज़ा लेते हैं। और हम जाएंगे यहाँ से 4 लेन से होते हुए, जो कि कहाँ से नौनी से कटता है उससे, देखते हैं आज नया नया एक्सपीरियंस करते हैं रोड का। तो अभी तैयार होते हैं पूरी तरह, और फिर मिलते हैं आपसे। सर ले जाएगा, चल ले जा फिर जल्दी कर दे, लेट मत यहाँ पे, उठा इसको जल्दी कर दे, ले जा चल चल। तो गाइस मैं आया हूँ भैया गांव के बीच में थोड़ा सामान लेने, और मेरे को मिलता है यहाँ क्या प्यारा सा बच्चा भी, इनका ये जो सामान लेके आ रहे हैं भाई, इसको डॉगी पसंद आ गया, आ गया पसंद है, हट हट साइड में हट जा, पीछे आ रहे मिट्टी लेके आ रहे, हट जा ले जाएगा घर को, क्या करना है क्या करूँ, दीता दो जल्दी बोल दीता दो दीता दो, आ रहा है इधर देख पीछे में छुप मेरे, और मुंह बंद कर पहले, इधर आगे आ रहा है इसमें अभी वरना पकड़ के ले जाऊंगा मैं, जल्दी आ जा, क्या मैं आ जाऊं, मैं आऊं चल ले, बोला कुछ तुम क्या बोलना है जल्दी बोल, बोले भारत माता की जय क्या बोलेगा, घर का है नाम क्या, तेरा नाम बता दे पहले, इधर देखे बोल, इधर आ इधर आ, ओ इधर आ ना, इधर इधर देख के बोल क्या नाम है जल्दी बोल, अब बोल जल्दी, देख रहे तेरे को सब लोग क्या नाम है, हिमल की विमल तो भाई जी रहा सामान हाथ में दे सकते हैं आप भाई, मेरे दो बैग है, एक में साड़ी वगैरह भरी है, और एक में है ज्वेलरी वगैरह, और ये स्कूली भाती बच्चे क्या कर रहा है, सामान रखते हैं गाड़ी के अंदर, और अब बारिश वाला, और बच्चे ने यहाँ पे जहाज भी उड़ा दिया इसने। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूँ भाई भराड़ीगढ़ से थोड़ा आगे, और भाई आप यहाँ पे रोड के हाल देख सकते हैं भाई। ओ बाबे, यहाँ से भी HRTC बस वाला गया ना, से झूलता हो गया पूरी तरह भाई, मेरे को गाड़ी निकालनी पड़ेगी बिल्कुल राइट साइड से, यहाँ से घूम गया आप देख सकते भाई, खड्डे कितने बड़े बड़े खड्डे यार रोड के बीच में, मतलब मैं गाड़ी लेके जाऊंगा तो पक्का गाड़ी लग जाएगी नीचे मेरी, यहाँ शायद अभी भी लग सकती है, अभी रुक जाइयो। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूँ भाई नौनी, और यहाँ से लूंगा मैं लेफ्ट टर्न, 4 लेन होते हुए निकलेंगे भाई हम, ये सीधा जा रहा है बिलासपुर के लिए, और ये जाएगा 4 लेन होते हुए। और गाइज हम आखिरकार पहुंच ही गए यहाँ से मनाली 172, और यहाँ से राइट टर्न लेंगे हम सामने से भाई, जहाँ गाड़ी लगी आगे कोठीपुरा मनाली, कोठीपुरा स्टेट जा रहा है और मनाली के लिए जा रहा है भाई लेफ्ट, ओके सॉरी राइट, यहाँ से हम लगाएंगे इंडिकेटर राइट के लिए भाई, गाड़ी पीछे जा रही है, ये कहाँ को जा रही है, राइट जा रही है, हाँ ये भी राइट जा रही है। तो गाइज ये रहा 4 लेन जहाँ से हमारा शुरू होता है, और यहाँ से हम शायद जाएंगे कितने 15-20 किलोमीटर के आसपास जाऊँगा मैं, और यहाँ से देख सकते हैं भाई ऊपर, तो चलते हैं ब्रो। हम पहुँच चुके हैं भाई जो टनल है यहाँ पे,
तो गाइस फाइनली हम एंटर हो चुके हैं टनल के अंदर, और ये टनल नंबर 4 है भाई, जो पहली टनल आ रही है मनाली को जाती वाली, और काफी लंबी है। आई थिंक हार्डली ये 300 या 400 मीटर के आसपास तो है ही होगी। तो गाइस अभी हम देख सकते हैं अंदर, आप देख सकते हैं लाइटनिंग कैसी टनल के अंदर, और शोर बिल्कुल नहीं है अभी, मतलब एक साइड जाने को एक साइड आने के लिए। तो अभी दीदी का फोन आ चुका है मेरे को, और दीदी वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पे वो आधे रास्ते तक आने वाले थे, जहाँ मैं उनको सामान देने वाला हूँ, और वहाँ पे उन्होंने भाई मोमोज वगैरह पैक करवा लिए हुए करवा के, आपको बोल रहे कि एक प्लेट आप मेरे लिए करवा के रखती हूँ मैं। तो अभी पहुँच लेते हैं, वो भी बहुत तेज लगी है मेरे को भाई अभी तो। और भाई इतने बड़े बड़े फैन लगे हुए यहाँ पे, एग्जॉस्ट फैन, और यहाँ पे है टनल का एंड पॉइंट, और हम पहुँचने ही वाले हैं बाहर, और ये एग्जिट है यहाँ पे टनल का। वाओ, एकदम से पूरी तरह रोशनी रोशनी होगी, लाइटनिंग। और गाइस यहाँ पे आता है टोल प्लाजा, और हमारे पास फास्ट टैग तो है नहीं भाई, मैं दूंगा यहाँ पे कैश ही सीधा। भाई हमारी लगती है यहाँ पे फीस कितनी, कैश दे रहा हूँ मैं, कैश 130। तो गाइज मेरे लगते है भाई यहाँ पे 130 फास्ट टैग में भी बैलेंस नहीं है, वो भी भाई फास्ट टैग तो यहाँ लगा नहीं है कहीं भी नहीं। स्लिप आ गई, दे दो। ओ भैया स्लिप नहीं मिल रही मेरे को यहाँ से, अब स्लिप का वेट करना पड़ेगा। तो भाई मेरे को यहाँ पे स्लिप तो मिली नहीं, अभी मैं स्लिप का वेट कर रहा हूँ, और देख सकते अभी आके लेने जा रही है भैया मेरे लिए यहाँ से टोल प्लाजे वाले। यहाँ पे फास्ट टैग होता तो शायद मैं फीस फूस का उसका स्लिप का तो मैं वेट नहीं करता, अभी फिलहाल स्लिप लेते हैं और फिर निकलते हैं। सो गाइज मैं पहुँचूंगा भाई दोनों के पास, ये रहे मेरी दीदी और जीजू नीचे, और परी है भाई साथ में, और भैया हम खाएंगे मोमोज, और ये रहा भाई फूड वैन है जिसके छत पे मैं खड़ा हूँ अभी। और भैया जी हो गए पैक, बन गए है भाई, देख सकते हैं आप कितना बड़ा मुंह लेके पहुंचे यहाँ पे, कद्दू जैसा तो मुंह बनाया उसने अपना क्या ऊपर ले आओ चेयर भाई, यहीं बैठते ऊपर छत पे। तो भाई यहाँ पे कोई गांव है साथ में, गांव का मेरे को पता नहीं, पर नाम जगह यहाँ ये लिखा हुआ डहर घगस। और फुल्लू क्या कर रहा है यहाँ, पूरे घास ही घास बिछा रखी है उन्होंने, सीढ़ियों से भी घास ही है और छत पे भी घास बिछाई है बढ़िया। और गाइस ये रहे मोमोज भाई, साइज दे सकते हैं आप मोमोज का, खा लेते पहले और फिर रिव्यू देते हैं आपको बाद में, दुकान तो सही बनाई उन्होंने यहाँ पे। तो गाइस मोमोज हमने खा लिए अभी, और हम पी रहे पानी अभी, बहुत मिर्ची भाई डाली उन्होंने, लाल मिर्ची बहुत ज्यादा थी, और ये साथ जिसके हमारे यहाँ पे छोटा हनुमान इसे भाई पूरी प्लेट अकेले खा दी मैंने उतने नहीं खाई जितना हनुमान खा गए यहाँ पे हमारे, तीन लोगों ने खाई, एक ने खाई, तीन लोगों ने खाई। कहाँ से निकल गया धुआं, अभी चलते हैं यहाँ सामान देते हैं हनुमान जी को, जय बजरंग बली, और फिर निकलते हैं यहाँ से भाई। तो गाइज हम भाई काम करके अपना फ्री हो चुके हैं, और भाई दोनों गाड़ी लगी यहाँ पे, और जीजू गए बाहर भी कॉफी का ऑर्डर देने, और हम रुके हैं भाई यहाँ मेन रोड ये है, और इसके साथ ही भाई ये बड़ा सा होटल जहाँ हम रुके हैं अभी, हम यहाँ भी कॉफी पियेंगे और परी आ जा चल अंदर बैठ के चलो। क्या आइसक्रीम? नहीं बेटा मैंने चाय नहीं कॉफी मंगा रहे हैं यहाँ से। गाइज हम लेते हैं अंदर को एंट्री यहाँ से। वाह भाई बहुत ही सुंदर शानदार, झाड़ू लग रहा है यहाँ पे तो। वाओ भग जा अभी यहाँ से, चलो फुल्लू। तो गाइस इनको करते हैं यहाँ से टाटा बाय बाय, और हम भी चलते अभी अपनी गाड़ी में, चल भाई ठीक है, जय बजरंग बली छोटे हनुमान, ठीक है बाय बाय ठीक है रफ्जिया जी, ठीक है दीदी। तो गाइज आप मौसम देख सकते हैं बाहर भाई, मौसम हुआ है बहुत ही जबरदस्त, और हम शायद यहाँ से जाएंगे बरमाना की ओर, जो बरमाना ICC प्लांट है वहाँ पे हम उससे रुके जाएंगे, हम नहीं जाएंगे भाई 4 लेन से क्योंकि आगे लगेगा टोल, और मेरे पास भी पहले फास्ट टैग नहीं है यहाँ पे, तो हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट, और ही सामने बची चुकी है। और भाई आप बाहर का मौसम देख सकते हैं यार, क्या खतरनाक मौसम हुआ है बाहर का। ओके आप सीधे जाना आगे को,
अच्छा वापिस आने आप, चलो ठीक है ठीक है तब बाय बाय। तो गाइज मैं जाऊंगा अब यहाँ से लेफ्ट और ये जीजू जाएंगे वापस राइट टर्न लेके सुंदरगढ़ के लिए। अच्छा ये वाला शीतला गौसदन असलू डहर, भैया बाहर का मौसम देख सकते हैं यार, शाम का टाइम सनसेट बहुत ही प्यारा और यहाँ से बरमाना रहता है 2 किलोमीटर मेरे लिए। तो करते हैं अपनी जर्नी को शुरू और ये सामने रहा भाई प्लांट पार, पीसीसी प्लांट जो बरमाना में है, एक अंबुजा में इनकी यूनिट और एक ये रही यहाँ पे। तो चलिए जरा चलते हैं।